सरहद पार रची जा रही है संस्कृति को तबाह करने की साजिश और सुरक्षा एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हैं। बेपरवाही का यह आलम तब है जबकि थार एक्सप्रेस से तस्करी होने के खुलासे कई बार पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इन सीडीज के बेरोक टोक आने से साफ है कि इन खुलासों के बावजूद ना तो सरकार जागी है ना ही सुरक्षा एजेंसियों की कान पर जूरेंगी। ये दोस्ती की ट्रेन है, इसे यह सोचकर चलाया गया कि दिलों की दूरियां मिटेंगी, सियासी खींचतान कम होगी, लोग अमन चैन से जी सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ना तो नीयत बदलती है और ना ही फितरत। हालात कैसे भी हों, वो साजिश रचने से बाज नहीं आता। अमन की रेल को भी उसने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का जरिया बना डाला। कुछ महीने पहले की बात है, थार एक्सप्रेस से आए एक शख्स के पास मिला था नोटों का ये जखीरा। नोट नकली थे और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें लाए जाने का एक ही मकसद था, अर्थव्यवस्था पर चोट करना। थार एक्सप्रेस के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग भी होती है, खुफिया एजेंसियों को इसके संकेत मिलते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक ड्रग्स की कोई बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई। दोस्ती की रेल को आतंकवाद का हथियार भी बनाया गया। माना जाता है इनके जरिए आसानी से सरहद पार लाए जा रहे हैं विस्फोटक। इसके दम पर ही रची जाती रहे देश के कई शहरों में धमाके करने की साजिश। तमाम संकेतों के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां बेपरवाह हैं और लोग दहशत में जीने को मजबूर। खुफिया एजेंसियों को पाक के नापाक इरादों का अंदेशा पहले से ही था। उन्होंने सरकार को आगाह कर दिया था कि दोस्ती की रेल अमन की दुश्मन बन जाएगी, लेकिन सरकार की सियासी मजबूरियां थी, खुफिया एजेंसियों की सलाह अनसुनी कर दी गई। अब खतरे की घंटी बज चुकी है, सरकार को जागना ही होगा या फिर भुगतना होगा पाकिस्तान पर भरोसा करने का नतीजा। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन थार एक्सप्रेस शुरू हो जाने के बाद में सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों का ऐसा गणित बिगड़ा कि नकली नोट और उसके बाद में असली सीढ़ियां तक आनी शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि स्कैनिंग के लिए एक्सरे मशीन तक अभी तक वहां नहीं लग पाई है। यदि ऐसी मशीन लग जाती है और अन्य संसाधनों से उसको लैस कर दिया जाता तो मजाल है कि पाकिस्तान से इस तरह के सामान आ सकते। कैमरामैन दयाल सिंह सांकला के साथ राजीव गौड़, जी न्यूज, जोधपुर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चलता रहेगा सरहद सीडी और साजिश।